नेक्स्ट टॉपिक इज पोस्ट गैस्ट्रुलेशंस डेवलपमेंट इन फ्रॉग. ठीक है, अब तक जो हमने स्टडी किया अप टू गैस्ट्रुलेशंस लेवल, ओके, मींस हमने जो थ्री प्राइमरी जर्म लेयर की फॉर्मेशन स्टडी कर ली. ठीक है, अब जो हमारी थ्री प्राइमरी जर्म लेयर की फॉर्मेशंस हुई है उनसे डिफरेंट ऑर्गन की फॉर्मेशंस कैसे होगी. ठीक है, मींस पोस्ट गैस्ट्रुलेशन डेवलपमेंट की मींस हमारे जो जर्म लेयर है उनमें क्या क्या चेंजमेंट आएगा. पोस्ट गैस्ट्रुलेशंस डेवलपमेंट में मेनली फॉर्मेशंस ऑफ ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम की फॉर्मेशंस होगी. ठीक है, अब ऑर्गन की फॉर्मेशंस हो रही है तो इसको हम बोलेंगे ऑर्गेनोजेनेसिस. मींस फॉर्मेशंस ऑफ ऑर्गन इज ऑर्गेनोजेनेसिस. कौन कौन से डेवलपमेंट डेवलपमेंटल स्टेज आएंगी, दैट इज फर्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ न्यूरल ट्यूब. ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ न्यूरल ट्यूब दैट इज फर्स्ट. ठीक है, उसके बाद किस चीज की डेवलपमेंट होगी, डेवलपमेंट ऑफ नोटोकॉर्ड्स. ठीक है, सेकंड किसकी डेवलपमेंट होगी, डेवलपमेंट ऑफ नोटोकॉर्ड. थर्ड इज डेवलपमेंट ऑफ मेजोडर्म. ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ मेजोडर्म. एंड नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ गट. ओके, जो हमारी न्यूरल ट्यूब की डेवलपमेंट होगी दैट इज जो हमारा एक्टोडर्म था उस पर एक एरिया था जो हमारी डोर्सल सरफेस पर प्रेजेंट था, दैट इज न्यूरल प्लेट. ठीक है, न्यूरल प्लेट से हमारी न्यूरल ट्यूब की डेवलपमेंट होगी और इस प्रोसेस को हम बोलेंगे न्यूरोजेनेसिस. इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, न्यूरोजेनेसिस. ओके, जो सेकंड है हमारी डेवलपमेंट ऑफ नोटाकॉर्ड्स. ठीक है, जो हमारा मेजोडर्म था उसकी डोर्सल सरफेस पे नोटाकॉर्ड प्रेजेंट थी, उससे हमारी नोटाकॉर्ड्स हमारा ब्रेन सीएनएस इसकी डेवलपमेंट होगी. ठीक है, और इसको हम बोलेंगे नोटोजेनेसिस. ठीक है, इस प्रोसेस को हम बोलेंगे नोटोजेनेसिस. ठीक है, अब जो हमारा नेक्स्ट पार्ट था मेजोडर्म का, उससे हमारी मेजोडर्म की डेवलपमेंट होगी. ठीक है, मींस हमारी जो डर्मिस है, हमारी किडनी है, इन सब की फॉर्मेशंस मेजोडर्म से होगी. ठीक है, और इस प्रोसेस को हम बोलेंगे मेजोजेनेसिस. ओके, इसको क्या बोलेंगे, मेजोजेनेसिस. ठीक है, और फॉर्मेशन ऑफ गट, जो हमारा एंडोडर्म था. ठीक है, उस पार्ट से हमारी गट की फॉर्मेशंस होगी, मींस हमारा फोर गट, मिड गट एंड हिंड गट की फॉर्मेशंस होगी. ठीक है, ये माउथ से लेकर हमारा जो मींस हमारा फ्रॉग का जो क्लोइकल अपर्चर है उसकी फॉर्मेशंस होगी. ठीक है, और इसको हम बोलेंगे एंट्रोजेनेसिस. ओके, अब जो नेक्स्ट आता है, सबसे पहला पार्ट है दैट इज डेवलपमेंट ऑफ न्यूरल प्लेट. ठीक है, और न्यूरोजेनेसिस. ठीक है, जो हमारा एक्टोडर्म था, ठीक है, उसकी डोर्सल सरफेस पर, ठीक है, मिड डोर्सल पोर्शन पर न्यूरल एरिया प्रेजेंट था. ठीक है, और उसको क्या कहा गया था, न्यूरल ट्यूब. ठीक है, अब इसकी डेवलपमेंट कैसे प्रोसीड्स होगी. ये जो हमारी न्यूरल प्लेट है, ठीक है, ये क्या करना स्टार्ट कर देगी, ठीक होना स्टार्ट कर देगी. ठीक है, और जो हमारा एंटीरियर और जो पोस्टीरियर पोर्शन होगा, ठीक है, इसका जो एंटीरियर पोर्शन होगा दैट आर बॉर्डर होगा. ठीक है, और जो पोस्टीरियर पोर्शन होगा दैट आर नैरो. ठीक है, अब इसकी थिकनिंग होना स्टार्ट हो जाएगी, इसका एंटीरियर पोर्शन बॉर्डर होगा. ठीक है, और जो पोस्टीरियर पोर्शन होगा दैट आर नैरो. ठीक है, और एक न्यूरल फोल्ड की फॉर्मेशंस करेगी. ठीक है, जो हमारा थिकनिंग हुआ था उसे एक न्यूरल फोल्ड, मीन्स ये फोल्ड हो गया, इसकी फॉर्मेशंस होगी. ठीक है, और ये जो न्यूरल फोल्ड की फॉर्मेशंस हुई ये श्रिंक होगा. ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट पोर्शन है उसमें श्रिंक हो जाएगा. ठीक है, अब ये जो न्यूरल फोल्ड था, ठीक है, ये श्रिंक हो गया इनसाइड. ठीक है, अब क्या होगा, जो इनकी मीडियल नेक्स्ट स्टेज में क्या होगा, जो इनकी ये ग्रो करेंगे इनवर्ड. ठीक है, और इनकी जो मीडियल लाइन थी वो क्या हो जाएगी,
कोलैप्स हो जाएगी, ठीक है, और एक ट्यूब की फॉर्मेशन करेंगी, मीन्स एक कंप्लीट ट्यूब की फॉर्मेशन हो जाएगी, दैट इज न्यूरल ट्यूब, ठीक है। और न्यूरल ट्यूब की फॉर्मेशन को हमने क्या कहा, न्यूरेला, क्या कहा, जो हमारा फर्स्ट है डेवलपमेंट ऑफ न्यूरल ट्यूब, ठीक है, उसमें हमारी न्यूरल ट्यूब की फॉर्मेशन हो गई और उसको हमने बोला न्यूरेला, न्यूरेला, ठीक है। अब जो हमारी न्यूरल ट्यूब होगी उसका कंप्लीशन फर्स्ट तो होगा मिडिल में, ठीक है, और फिर जो कंप्लीशन होगा एंटीरियर पोर्शन पर और देन पोस्टीरियर पोर्शन पर, ओके। यदि हमारा एंटीरियर पोजीशन पर पोर प्रेजेंट है, ये जो पोर होगा प्रेजेंट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, ठीक है, और यदि पोर प्रेजेंट है तो हम इसको बोलेंगे न्यूरोपोर, ठीक है, क्या बोलेंगे, न्यूरोपोर, ओके। और पोस्टीरियर पोजीशन पर ये किसके साथ कम्युनिकेट कर रहा है, विद आर्केएंटेरियन कैविटी, ठीक है, और यदि इसमें ये जो हमारी न्यूरल प्लेट है इसमें हमारा कैविटी प्रेजेंट होगी तो हम उसको बोलेंगे न्यूरोसेल, ठीक है, न्यूरोसेल, जैसे हमारा ब्लास्टोसेल था ऐसे न्यूरोसेल, ठीक है। अब जो हमारे जो दो पोर्शन है, ठीक है, मीन्स हमारा जो एक्टोडर्म था उसके साथ कनेक्ट है हमारी न्यूरल न्यूरल ट्यूब की जो फॉर्मेशन हुई है, ठीक है। अब ये दोनों कैसे सेपरेट होंगे, बाय द प्रोसेस ऑफ डेलिमिनेशन, डेलिमिनेशन प्रोसेस से ये सेपरेट होंगे, ठीक है। डेलिमिनेशन में क्या होते हैं, टू लेयर सेपरेट हो जाती है, ठीक है। अब देखो ये जो हमारी एक्टोडर्म और न्यूरल ट्यूब सेपरेट हो गई, ठीक है। अब ये जो एक्टोडर्म है एक कंटीन्यूअस सेल मास की फॉर्मेशन करेंगी, ठीक है, और ये जो हमारा न्यूरल प्लेट थी वहां पर भी एक्टोडर्म की फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। अब जो सेकंड नेक्स्ट है कि जो हमारी न्यूरल ट्यूब है, ठीक है, वो सेपरेट हो गई फ्रॉम एक्टोडर्म, ठीक है, और किसकी डेवलपमेंट करेगी, न्यूरल क्रिस्ट की, ठीक है, और जो ये न्यूरल क्रिस्ट लेटर ऑन फॉर्म क्या फॉर्म करेंगे, स्पाइनल नर्व, ठीक है, डोर्सल रूट गैंग्लिया ऑफ स्पाइनल नर्व। ये जो हमारी न्यूरल क्रस्ट है ये किसकी फॉर्मेशन करेंगे, डोर्सल रूट गैंग्लिया, डोर्सल रूट गैंग्लिया ऑफ गैंग्लिया, ठीक है, ऑफ स्पाइनल नर्व, ठीक है। अब जो नेक्स्ट है हमारी डेवलपमेंट ऑफ नोटाकोर्ड और इस प्रोसेस को हमने बोला नोटोजेनेसिस, ठीक है, और ये जो हमारा नोटोजेनेसिस है ये कौन से पोर्शन पर प्रेजेंट था, दैट इज मेजोडर्म पर प्रेजेंट था, ठीक है, और मेजोडर्म के मिड डोर्सल पोर्शन पर प्रेजेंट था, ठीक है। अब जो हमारी मेजोडर्म थी, ठीक है, फर्स्ट स्टेज में क्या है, हमारी जो नोटाकोर्ड है, ठीक है, और यह हमारी जो मेजोडर्म है ये एंडोडर्म के साथ कांटेक्ट में है, ठीक है, तो सबसे पहले जो प्रोसेस होगी नोटोजेनेसिस में, सेकंड इज नोटोजेनेसिस, नोटोजेनेसिस में जो सबसे पहले प्रोसेस होगी दैट इज डेलिमिनेशन, डेलिमिनेशन मीन्स हमारी जो टू लेयर है, ठीक है, एंडोडर्म एंड मेजोडर्म सेपरेट हो जाएंगी, ठीक है, और जो हमारी मेजोडर्म की पोजीशन हो जाएगी दैट इज हमारी इन बिटवीन एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, ठीक है। जो सेकंड होगा, जो फर्स्ट प्रोसेस हुई जो हमारी एंडोडर्म की सेपरेशन हुई, ठीक है, एंडोडर्म की फ्रॉम मेजोडर्म से सेपरेशन हुई, सेकंड होगी दैट इज आल्सो डेलिमिनेशन, सेकंड भी क्या होगी, डेलिमिनेशन। अब कौन कौन से लेयर का सेपरेशन होगा, डेलिमिनेशन। जो हमारी मेजोडर्म थी उसके टू पोर्शन थे, ठीक है, वन इज जो हमारी कोडा मेजोडर्म थी और सेकंड हमारी नोटाकोर्ड थी, ठीक है, प्रिज्मेटिव एरिया ऑफ नोटाकोर्ड, ये दोनों सेपरेट हो जाएंगी बाय द प्रोसेस ऑफ डेलिमिनेशन, ठीक है, और जो हमारी नोटाकोर्ड है ये मिड पोजिशन ऑक्यूपाई कर लेगी, ठीक है। अब जो हमारी नोटाकोर्ड की सेल थी, ठीक है, ये बिकम वैक्यूलेटेड, ठीक है, एंड अरेंज देमसेल्फ इन सिलैंडिकल रोड, ठीक है, और कवर बाय नोटाकोर्डल सीथ, ये जो हमारी नोटाकोर्ड होगी ये नोटाकोर्डल सीथ से कवर होगी, नोटाकोर्डल सीथ, ठीक है, नोटाकोर्डल सीथ से कवर होगी, ओके। जो थर्ड है हमारी प्रोसेस दैट इज डेवलपमेंट ऑफ मेजोडर्म, ठीक है, अब हमारी जो थर्ड प्रोसेस होगी डेवलपमेंट ऑफ मेजोडर्म, देखो हमारी जो मेजोडर्म थी, ठीक है, नहीं कोर्डा मेजोडर्म एंड हमारी जो नोटाकोर्ड थी, ठीक है, वो दोनों सेपरेट हो गई, अब इसका एक पोर्शन रिमेन रह गया दैट इज हमारी मेजोडर्म, मीन्स हमारी कोर्डा मेजोडर्म,
आफ्टर डेलिमिनेशन जो हमारी नोटाकोड प्रोसेस में हो रही था, डेलिमिनेशन ऑफ नोटाकोड एंड जो हमारी मिजोडम थी उनके बीच में, ठीक है, अब जो पोर्शन बच गया मिजोडम का, दैट इज सोमाइट मिजोडम, ठीक है, जो हमारे नोटाकोड्स को सराउंड कर रहे हैं वो सोमाइट्स मिजोडम है, ठीक है। लेटर ऑन इनकी डेवलपमेंट होगी, ठीक है, और इनकी डेवलपमेंट कौन कौन से पोर्शंस में होगी, जो हमारी कोडा मीन्स हमारी मिजोडर्मल सोमाइट थी, मिजोडर्मल सोमाइट थी, ठीक है, ये डिफ्रेंशिएट होंगी थ्री पार्ट्स में। ये किस में डिफ्रेंशिएट होंगी, दैट इज इन थ्री पार्ट्स। और ये तीन पार्ट कौन कौन से होंगे, सबसे पहले जो पोर्शन होगा दैट इज एपिमर, ठीक है, एपिमर, ठीक है। सेकेंड जो पोर्शन होगा दैट इज मिजोमर, ठीक है, मिजोमर। एंड थर्ड जो पोर्शन होगा दैट इज हाइपोमर, ठीक है, हाइपोमियर, ठीक है। हमारी एपिमियर, मिजोमियर और हाइपोमियर की फॉर्मेशन होगी फ्रॉम जो हमारी मिजोडर्मल सोमाइट्स थी, दैट आर दैट पोर्शन, ठीक है। इनकी जो एंटीरियर और पोस्टीरियर पोर्शन की डेवलपमेंट होगी और थ्री पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगी, एपिमर, मिजोमर और हाइपोमर, ठीक है। अब ये जो हमारी एपिमर, मिजोमर और हाइपोमर है, कौन कौन से ऑर्गन की डेवलपमेंट करेंगे, ये जो हमारी लेयर की फॉर्मेशन होगी बाय डेलिमिनेशन होगी, इनकी लेयर सेपरेट हो जाएगी, ठीक है। अब जो हमारी एपिमर होगी वो होगी हमारी डोर्सल पोजीशन पर, ठीक है, और ये फर्दर थ्री पार्ट्स में डिवाइड होंगी, मीन्स थ्री अनदर लेयर की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। और ये जो लेयर होंगी दैट आर जो फर्स्ट होगी, सेकेंड एंड थर्ड, ये एपिमियर थ्री पार्ट्स में डिवाइड होगी, ठीक है। जो आउटर बैंड होगा, ठीक है, मीन्स हमारा यहाँ से सबसे आउटर होगा, ठीक है, दैट इज एपिमर, उसके बाद मिजोमियर, ठीक, और उसके बाद हाइपोमियर जो एंडोडर्म के नियर होगी, ठीक है। अब जो एपिमर होगी उसमें भी थ्री पार्ट्स होंगे, और इसके थ्री पार्ट्स कैसे डिवाइड होंगे, मीन्स कौन कौन सी फॉर्मेशन होगी, जो फर्स्ट लेयर होगी दैट इज डर्मेटोम, ठीक है, डर्मेटोम। और ये जो डर्मेटोम होगी ये कौन से ऑर्गन की फॉर्मेशन करेगा, डर्मिस ऑफ स्किन, जो हमारी स्किन की डर्मिस है उस लेयर की फॉर्मेशन करेंगे, डर्मिस ऑफ स्किन, ठीक है। जो सेकंड जो पोर्शन होगा, फर्स्ट इज डर्मेटोम, ठीक है, और जो सेकंड जो पोर्शन होगा दैट इज मायोटोम, ठीक है, मायोटोम। और ये पोर्शन कहाँ प्रेजेंट होगा, इन बिटवीन जो हमारी डर्मेटोम है उसके जो नेक्स्ट जो लेयर आएगी दैट इज मायोटोम, ठीक है। और डर्माटोम और मायोटोम्स के बीच में कैविटी होगी, उसको हम बोलेंगे मायोसील कैविटी, ठीक है। और इससे कौन से ऑर्गन की फॉर्मेशन होगी, दैट इज स्केल्टन मसल्स, स्केल्टन मसल्स, ठीक है। हमारी जो मायोटोम्स होंगी उससे स्केल्टन मसल्स की फॉर्मेशन होगी। और जो थर्ड पोर्शन है दैट इज स्क्लेरोटोम, ठीक है, स्क्लेरोटोम, ठीक है। अब जो स्क्लेरोटोम होगा, ठीक है, ये होगा हमारा इनरेस्ट लेयर, ठीक है, मीन्स जो हमारी मिजोमियर के नजदीक होगी, ठीक है। और ये किसकी फॉर्मेशन करेगा, दैट फॉर्म वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है, ये क्या फॉर्म करेगा, वर्टिब्रल कॉलम, ओके। नेक्स्ट है हमारा जो पोर्शन था मिजोडर्मल सोमाइट, जो डिफ्रेंशिएट हो रहा था एपिमियर, मिजोमियर और हाइपोमियर, ठीक है, हमने एपिमियर की स्टडी कर ली। अब जो सेकंड है दैट इज मिजोमियर, ठीक है। अब मिजोमियर कौन से पोर्शन में डिफ्रेंशिएट होगा, दैट इज जो मिजोमियर होते हैं, ठीक है, ये क्या होते हैं, लॉन्ग होते हैं और सब सिलेंड्रिकल बैंड ऑफ मिजोडर्म, ठीक है, और इनको क्या बोला जाता है, नेफ्रोटोम भी कहा जाता है, ठीक है, क्योंकि इनसे जिसकी फॉर्मेशन होती है दैट इज नेफ्रॉन ऑफ किडनी, ठीक है। नेफ्रॉन ऑफ किडनी में कौन सा पोर्शन, जो ट्यूब्यूल्स वाला पोर्शन होता है वो इससे फॉर्म होता है, ठीक है, और इसलिए इसको क्या कहते हैं, जो हमारी नेफ्रोटोम होती है उनमें कैविटी प्रेजेंट होती है दैट इज नेफ्रोशील, ठीक है, मीन्स हमारी यहाँ पर किसकी फॉर्मेशन होती है, नेफ्रॉन के डक्ट की, नेफ्रॉन, ओके। अब इसके बाद जो हमारा है हाइपोमियर, ठीक है, जो लास्ट पोर्शन है हमारी मिजोडर्म का, ठीक है, ये जो हाइपोमियर होगा
ये इनरमोस्ट पोर्शन होगा, ठीक है, और इट फर्दर डिवाइडेड इनटू टू पोर्शन, ठीक है, इसको टू लेयर्स में डिवाइड किया गया, मीन्स फर्दर टू लेयर इज प्रेजेंट, ठीक है। जो लेयर होंगी दैट इज सोमेटिक लेयर और सेकेंड होगी दैट इज पेरेंटियल मेजोडर्म, ठीक है, सोमेटिक लेयर और पेरेंटियल मेजोडर्म, और ये जो इनर होगी दैट इज विसरल, ठीक है, विसरल, ओके, विसरल और स्प्लैंसिक मेजोडर्म, ठीक है, और इन दोनों के बीच में जो कैविटी प्रेजेंट होगी उसको हम बोलेंगे स्प्लैनोसील, ओके। अब इनसे कौन कौन से ऑर्गन की फॉर्मेशंस होगी दैट आर जो हमारी ब्लड वास्कुलर सिस्टम, ठीक है, जो हमारी ब्लड वास्कुलर सिस्टम होगा उससे इसकी फॉर्मेशंस होगी, ब्लड वास्कुलर सिस्टम, ठीक है। सेकंड होगा दैट इज हमारा सिलोमिक इपीथीलियम, ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू एंड स्मूथ मसल से हमारी जो हाइपोमियर से इन सारे ऑर्गन्स की फॉर्मेशन होगी, ठीक है। अब जो लास्ट है हमारा डेवलपमेंट ऑफ एंटोजेनेसिस बचता है, ठीक है, अब इसकी स्टडी करते हैं। नेक्स्ट इज डेवलपमेंट ऑफ, ये हो गई हमारी डेवलपमेंट ऑफ एंट्रोन या एंटोजेनेसिस, जो फोर्थ प्रोसेस है दैट इज एंट्रोजेनेसिस, ठीक है। अब तक जो हमने स्टडी किया है कि जो हमारी न्यूरल ट्यूब्स की फॉर्मेशन हो रही है, सेकंड हमारी नोटोकॉर्ड्स एंड फिर फर्दर डेवलपमेंट ऑफ मेजोडर्म, ठीक है। अब जो एंटोजेनेसिस की फॉर्मेशन कैसे होती हैं, ठीक है, देखो जो एंडोडर्मल सेल थी, ठीक है, वो ज्वाइन होंगे एट डोर्सल पोजिशन, ठीक है, और एक फॉर्मेशन करेगी दैट इज एंट्रोन, ठीक है, और इसके जो एंट्रोन के फॉर्मेशन होगी उसकी रूफ होगी दैट इज थिन, ठीक है, बट जो फ्लोर होगी दैट इज थिक, और ये जो फ्लोर होगी वो किससे कंपोज होगी, एंडोडर्म से, ठीक है, जो कि एंडोडर्म से कंपोज है। एंड लेटर ऑन जो हमारी एंट्रोन होगी दैट इज डिफ्रेंशिएट इनटू, जो हमारी एंट्रोन होगी दैट इज डिफ्रेंशिएट इनटू हमारी होगी दैट इज फोरगट मिडगट एंड हाइंडगट, इन तीन पोर्शन में डिवाइड होगी, ठीक है, मीन्स इसकी डेवलपमेंट इन तीन पोर्शंस में होगी, ठीक है। अब ये जो तीन पोर्शंस हैं इनकी फॉर्मेशन कहाँ कहाँ रही, फोरगट की फॉर्मेशन हो रही है इन फ्रंट ऑफ योकीमास, ठीक है, जो मिडगट की फॉर्मेशन होगी हैविंग योकीमास जो एरिया कंटेन कर रहा है वहां पर होगी, और हाइंडगट की फॉर्मेशन होगी बिहाइंड द योकीमास, ठीक है। नेक्स्ट इज एक सोमोटोडर्म अपीयर होगा, ठीक है, और ये इसकी अपियरेंस कहाँ होगी, इसकी अपियरेंस होगी पोस्टीरियर पोर्शन पर, ठीक है, पोस्टीरियर, और ये किससे फॉर्म होगा, ड्यू टू इनवैगिनेशन ऑफ एक्टोडर्म्स, किससे फॉर्म होगा, इनवैगिनेशन ऑफ एक्टोडर्म से इसकी फॉर्मेशन होगी। एंड नेक्स्ट क्या होगा, जो हमारा दैट इज नॉट पोस्टीरियर पोर्शन बट इट इज वेंट्रल पोर्शन, ठीक है, वेंट्रल पोर्शन पर हमारी इन्वेग्नेशन होगी, एक सोमेटोडियम की फॉर्मेशन होगी, और ये लेटर ऑन किस में चेंज होगा, दैट इज इन माउथ, ठीक है, माउथ में चेंज होगा, ठीक है। और जो हमारी फोरगट है वो डिफ्रेंशिएट किस किस में होगी, हमारी फोरगट डिफ्रेंशिएट होगी बकल कैविटी, फेरेंग्स, इसोफेगस एंड स्टोमच, ओके, इन पोर्शन में हमारी जो फोरगट होगी डिफ्रेंशिएट होगी, ठीक है, मिडगट डिफ्रेंशिएट होगी इनटू इंटेस्टाइन, मिडगट किस में डिफ्रेंशिएट होगी इनटू इंटेस्टाइन, ठीक है, और जो हैंडगट होगी दैट डिफ्रेंशिएट इनटू रेक्टम एंड क्लोइका, ठीक है, रेक्टम एंड क्लोइका, ओके, देखो इन प्रोसेस के साथ साथ और क्या होता रहेगा, हमारी एम्ब्रियो इलोंगेट होती रहेगी इन एंटीरियर एंड पोस्टीरियर पोजीशन, ठीक है, और फ्लैट होती रहेगी इन लैटरल पोजीशन, ठीक है। ये जो डायग्राम है ये है हमारे एलएस, ठीक है,
एलएस ऑफ थ्री स्टेज, कौन कौन सी स्टेज का, डेवलपमेंट ऑफ नर्व कोड, ठीक है, नोटा कोड एंड डेंड्रोन, ठीक है, जो हमारी डेवलपमेंट ऑफ नर्व कोड एंड नोटा कोड की इधर हो रही है, ठीक है, और जो हमारी एंड्रोन की डेवलपमेंट हो रही है दैट इज हेयर, ठीक है, हमारे जो सोमैटोडियम वेंट्रल पोजिशन पर बनेगा और ई डिफ्रेंशिएट इन टू माउथ, ठीक है, ये जो हमारी एंड्रोन है ई डिफ्रेंशिएट इन टू किस में डिफ्रेंशिएट होगी, फोरगट, मिडगट एंड हाइंडगट, पहले ये इसमें डिफरेंशिएट होगी, देन किसमें डिफरेंशिएट होगी, जो हमारी फोरगट होगी दैट डिफरेंशिएट इनटू बकल कैविटी, फेरेंक्स, इसोफेगस एंड स्टेमच, ठीक है, जो हमारी मिडगट होगी वो इंटेस्टाइन की फॉर्मेशंस करेगी और जो हाइंडगट होगी वो क्या बनाएगी, रेक्टम एंड क्लोइका, ओके।